अस्सलाम वालेकुम। हरेसमेंट क्या है? हर कोई इसे अपने अल्फाज और अपने अंदाज में अलग तरीके से बयान करता है। हर वो चीज़ जिससे आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हो उसे हरेसमेंट कहते हैं। किसी के साथ छेड़छाड़ करना या उसकी इज़्ज़त रसानी करना भी इन्हीं मानों में आता है। ये एक गैर कानूनी अमल है जो कि हमारे माशरे में कसीर तादाद में किया जा रहा है, जिसकी बहुत सी इकसाम है, लेकिन इनमें से चंद एक पे आज बात करना बहुत ज़रूरी है जो कि हमारे माशरे में बिला तखीर किए जा रहे हैं। पर्सनल हरेसमेंट, फिजिकल डिस्क्रिमिनेटरी, साइकोलॉजिकल, सेक्सुअल और पार्टी हरेसमेंट इसमें आते हैं, क्योंकि हम एक महजब माशरे में रहते हैं और हमें यहाँ ऐसे मामलों पर बात करना शेवा नहीं देता। शायद इसी वजह से लोग ऐसी बातों को नशर नहीं करते और यही वजह है कि हमारे बच्चों को हरेसमेंट के बारे में इलम ही नहीं कि हरेसमेंट किसको कहा जाता। अगर इलम है भी तो बदकिस्मती से यहाँ हमेशा विक्टम को ही मुजरिम ठहराया गया, जिसकी वजह से बहुत से विक्टम इसको खामोशी से बर्दाश्त करते हैं और यही वजह है कि इन लोगों को मुल्की और शरई कानून के मुताबिक आगाही ही हासिल नहीं। जनवरी 2018 में जब जैनब का केस मंजरे आम पर आया तो इसमें मीडिया ने बहुत ही मुस्बत किरदार अदा किया, जिसके बाद के इसमें बहुत से ड्रामा सीरियल्स बनाए गए कि जिनमें उडारी, कंकर, भरम, डर सी जाती है सिला, चीख और बंद खिड़कियां सरे फहरिस्त हैं। एक तहकीक के मुताबिक इन ड्रामों को देखने के बाद लोगों में अवेयरनेस पैदा हुई है और अब लोग इन मामलों पर बात करने में कम हिचकिचाहट महसूस करते हैं। इसके अलावा मी टू मूवमेंट ने भी इस सिलसिले में जद्दोजहद पर काफ़ी गहरा असर छोड़ा है। औरत मार्च 2020 की मुंतजम कुरत मिर्ज़ा के मुताबिक मी टू पाकिस्तानी खवातीन को जिनसी तशद्दुद के खिलाफ बोलने की ताकत दी जा रही है और यह सबक दिया जा रहा है कि मुजरिम से डरना नहीं, इनके खिलाफ अपना दिफा करना है और कानूनी कार्रवाई करनी है। 9 मार्च 2010 को पहली मरतबा पाकिस्तान में सदर आसिफ अली जरदारी ने काम करने की जगह पर जिनसी हरासा करने के कानून पर अमल दरामद किया। पेशा वराना खवातीन के जिनमें टीचर्स, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, बैंकर्स, पुलिस वुमन, निजी कॉरपोरेशन और गैर सरकारी तंजीमों में काम करने वाली खवातीन के हक के लिए आवाज़ बुलंद की। इससे पहले जनरल ज़िया के दौर में हदूद आर्डिनेंस में मुल्की सतह पर खवातीन के हकूक़ के लिए बात की गई थी। तलाक, जिना और जिना बिल जबर शामिल किया गया। हरेसमेंट का शिकार होने वालों में ज़्यादा शराब बच्चों, बच्चियों या मुलाजमत करने वाली खवातीन की है। 1998 और फौजी कमीशन ब्राइट चिल्ड्रन के पेशकर्दा अदाद शुमार के मुताबिक 70 के करीब खवातीन को अपने शोहर की जानिब से तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। पेशा वराना खवातीन को जिनसी बदसलूकी की मुख्तलिफ इकसाम का सामना करना पड़ता है। कई इकसाम हैं, ऐसे ही कानून में हर किस्म की हरेसमेंट के लिए अलग सजाएं हैं। इसमें जिनसी तशद्दुद करने पर दफा 509 नाफिस होती है। पाकिस्तानी पैनल कोड के मुताबिक ऐसे मुजरिम को 3 साल सजा या फिर 5 लाख रुपए जुर्माना किया जाता है। बाज़ औक़ात जुर्म की नौयत को देखते हुए दोनों सूरतों को नाफिस किया जा सकता है। इसके अलावा दफा 496 सी, दफा 354 ए और दफ़ा 366 मुख्तलिफ किस्म की हरेसमेंट के नतीजे में नाफिस की जाती है।